मुल्तानी फेमिना जहां फैशन वहां, एक ही छत के नीचे विशाल शोरूम, वो सभी ब्रांड जो आपको देते हैं खास पहचान। आबुलेन मेरठ। मेरठ शहर विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार कांटे की टक्कर पर पहुंच गया है। जैसे जैसे प्रचार समाप्ति का दिन नजदीक आता जा रहा है, प्रत्याशियों ने अपने कदमों की चाल तेज कर दी है। वहीं शहर विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी कमल दत्त शर्मा ने प्रचार में जी जान लगा दिया है। उनकी धर्मपत्नी रूपा शर्मा भी अपनी टीम के संग घर घर पहुंचकर कमल की दस्तक दे रही हैं। फर्स्ट बाइट संवाददाता शिवानी गौतम की ग्राउंड जीरो से यह रिपोर्ट देखिए। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। मेरे श्याम कृपा कर दो, घन श्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। घन श्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। आज हम आए हैं मेरठ विधानसभा के पुराना गेट क्षेत्र में, जहाँ पर कमल दत्त शर्मा जी आज अपना चुनाव प्रचार करने के लिए आए हैं। 10 फरवरी 2022 हम बहुत बड़ी मार्जिन से वोट चुनाव जीत रहे हैं। प्रदेश में जो सबसे बड़ी जीत होगी उनमें से एक जीत हमारी मेरठ कैंट में होगी, और मेरठ शहर भी हम भारी मतों से जीत रहे हैं। अच्छा, और जैसे कि आपकी धर्मपत्नी जी भी चुनाव प्रचार के लिए बाहर आई हैं, तो उनका क्या अनुभव है, उससे आपको अनुभव क्या? बहन जी, जब ये सब मेरी माताएं बहनें भी मेरे लिए चुनाव में आ रही हैं, तो फिर वो भी आ रही हैं, तो सब महिला कार्यकर्ता जो हैं सब एक साथ मिलकर सारी माताएं बहनें भाजपा को जिताने के लिए लगी हुई हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इस शहर विधानसभा में सबसे ज़्यादा महिला कार्यकर्ता मेरी माताएं बहनें इस चुनाव को जिताने में सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में लगी हुई हैं। कितने वोटों से जीत दर्ज कर रहे हैं आप? बड़ी संख्या, देखिए वोट का ये बताना तो ये एक जल्दबाजी होगा कितनी वोट से जीत रहे हैं, लेकिन हम बड़े बहुमत से जीत रहे हैं। अपील तो मेरठ शहर की जनता से मेरी प्रार्थना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएँ। डबल इंजन की जो सरकार है, विकासवादी सरकार है, माननीय मोदी जी और योगी जी ने बड़ा विकास इस देश और प्रदेश में किया है, वो उन सब के सामने है, चाहे हाईवे हो चाहे वो कानून व्यवस्था हो। भाई कमल दत्त भाई साहब जो हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, भाई मैं खुद हूँ, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जैसे भाजपा काम कर रही है, योगी जी काम कर रहे हैं, तो वो भी तो उसी जो है टीम का एक हिस्सा हैं। तो जिस तरह योगी जी काम कर रहे हैं, मोदी जी काम कर रहे हैं महिला सुरक्षा के लिए, वैसे ही कमल दत्त भाई साहब भी महिला सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। अगर आज मुझे कोई ज़रूरत है, या दीदी को कोई ज़रूरत है, या हमारी महिलाओं को कोई भी ज़रूरत है, हम उनके पास जाते हैं तो हमें सुरक्षा मिलेगी, या जो है हमें जो भी वो सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग करेंगे। हमें पूरा विश्वास है उनके साथ, इसीलिए हम उनके साथ हैं। तरीके का हर वर्ग का सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए आपको क्या कहना चाहेंगी? सपोर्ट तो हर वर्ग का मिल रहा है, हर जाति का मिल रहा है, और हर धर्म का मिल रहा है। और स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगी कि बीजेपी ने जिसके लिए जितना काम किया है उसके हिसाब से सारा वर्ग उसको सहयोग दे रहा है। आज जैसे राकेश टिकैत जी आए और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि बीजेपी को सजा दे, आपका क्या कहना है? बीजेपी को वो क्या सजा देंगे? बीजेपी को कोई सजा नहीं दे सकता। बीजेपी अपना काम कर रही है, और अगर मोदी जी ने कुछ उनके फेवर के लिए स्टेप उठाया है तो वो सजा देंगे उनको? क्या आप अपने घर के मुखिया को सजा देते हैं? अगर आपके घर का मुखिया आपके लिए कोई डिसीजन लेता है और वो उस डिसीजन को आप ज़िद करके मना कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि वो आपके फेवर के हैं, और आपके ज़िद पे अगर उसने आपको छोटा समझ के, बच्चा समझ के क्षमा कर भी दिया, तो आप उसे सज़ा देंगे? तो
तो टिकैत जी तो किसी भी हालत में सजा नहीं दिलवा पाएंगे, और इतने बेवकूफ़ जाट नहीं है कि वो टिकैत जी की बातों में आएंगे। और ना ही ओरिजिनल जो किसान है, मैं खुद किसान की बेटी हूँ, बड़ौद से बिलोंग करती हूँ, वहाँ के लोगों को जानती हूँ कि जाट पक्का दोस्त होता है, और इस समय जाट की दोस्ती हो चुकी है ऑलरेडी बीजेपी के साथ। तो टिकैत जी ये तो भूल ही जाएं कि वो किसी भी तरह से बीजेपी को सजा दे सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।